मंदिर के मैं माथा टेकने आया हूँ तो मैं उसी समय अपने दिल में मैं वचनबद्ध हो गए थे कि मैं जब पहला काम कराऊंगा तो काली जी के मंदिर का मैं रास्ता का काम करूंगा। कि सेवक लोग आने जाने में बहुत ही कठिनाई हो रही थी बता, तो मैं अपने दिल में बैठा लिया हूँ कि जब पहला काम कराऊंगा तो मैं काली माँ के रास्ते के लिए काम कराऊंगा। मैं बहुत प्रयास किया क्योंकि आज सरकारी संपत्ति कोई खरंजा नहीं, अरे कोई चक्रोड नहीं था, तो मैं किसान जो किसान महापुरुषों ने काली माँ को मंदिर के लिए अपना जमीन दान में दिया, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ काली माँ के रास्ते के लिए जो जमीन दी है वो हमारे लिए महापुरुषों ने भी वो अधिक है। इसी गांव के लोगों ने, यही गांव के जो कौन लोग हैं, पेट्रोल पंप के रिद्धिनाथ पांडे जी हैं, उनसे मैं बार बार मैं सिफारिश और गुजारिश कर रहा था कि बाबा जी मैं काली माँ के लिए एक रास्ता दे दीजिए। मतलब मंदिर के लिए जमीन नहीं थी गांव समाज के, गांव समाज के लिए मंदिर के लिए जमीन थी, मंदिर के लिए जमीन थी, मंदिर रोड नहीं था, रोड नहीं था। तो मैं यहाँ के जो पंडित जी लोग हैं तो सचलों में वो महापुरुष हैं, निजी अपना जमीन कोई एक धूर नहीं देता था। और हमारे विधिनाथ पांडे जी ने जो सामने पेट्रोल पंप है वो अपने 2.5 मंडा ने जमीन अपने निजी जमीन में दिए हैं और मुझको कहे हैं कि जाओ चेला हमारे निजी जमीन में अपना रास्ता बना लो, जब तुम काली माई के वचन बंद हो तो मेरे रिद्धिनाथ पांडे जी उनको मैं अपने दिल में महापुरुषों से भी अधिक समझते हैं कि जो गांव के लिए 25,000 आबादी के लिए अपना जमीन रास्ते के लिए दिए हैं। कुछ लोग विरोधी लोग हैं, घबरा गए हैं कि ये जहां जाते हैं उनसे सिफारिश करके और सेवा करके उनसे मैं रास्ता मांग लेता हूं, इसलिए ये लोग घबराए हैं। ये लोग 20 साल हमारे प्रधान थे और एक हमारे जो पहले जो थे वो 10 साल थे, काली माँ के रास्ता नहीं फेंकवा पाए, हम रास्ता महापुरुषों से मांग कर बनवा दिए, ये लोग की घबराहट पड़ गई। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।